1 मार्च 2021 को भारत में स्पेक्ट्रम नीलामी होने वाली है। माना यह जा रहा है कि इस स्पेक्ट्रम नीलामी में भारत की टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने एक्सपायर हो रहे स्पेक्ट्रम्स को रिन्यू करेंगे, परंतु ICICI सिक्योरिटीज के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीकॉम कंपनियां मार्च में होने वाले इस स्पेक्ट्रम नीलामी में अपने एक्सपायर हो रहे स्पेक्ट्रम्स को रिन्यू करने के साथ साथ 5G सर्विसेज के तेज और आसान रोल आउट के लिए अपने पोर्टफोलियो में अधिक से अधिक नए स्पेक्ट्रम्स जोड़ने पर भी जोर देंगे। ICICI सिक्योरिटीज के अनुसार टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया 5G सर्विसेज के रोल आउट के लिए 1800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड की खरीदारी पर जोर देंगे। आपको बता दें कि 1800 और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड 5G सर्विसेज के लॉन्च के साथ साथ अच्छी 4G सर्विसेज देने के लिए भी कारगर मानी जाती है। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल अपने 5G सर्विसेज के लॉन्च के लिए अधिक से अधिक 1800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड की खरीदारी कर सकते हैं। चूंकि टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही 4G सर्विसेज से 5G में शिफ्ट होने वाले हैं, इसलिए टेलीकॉम कंपनियां इन दोनों स्पेक्ट्रम की खरीदारी पर जोर देंगे। इसीलिए आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी टेलीकॉम कंपनियों के लिए अपने 5G पोर्टफोलियो के निर्माण के साथ साथ 4G क्षमताओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। माना यह जा रहा है कि भारतीय एयरटेल अपने सभी सर्कल्स के लिए 1800 और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड के साथ साथ 900 मेगाहर्ट्ज और 1200 मेगाहर्ट्ज बैंड्स की खरीदारी पर भी जोर देगी। वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर के विलय के बाद नई कंपनी VI के पास एक मजबूत स्पेक्ट्रम पोर्टफोलियो है, इसलिए टेलीकॉम कंपनी अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए 1800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड की खरीदारी पर जोर देंगे। इसी प्रकार भारतीय एयरटेल अपने कई प्रमुख सर्किलों में 5G सर्विसेज के लॉन्च के साथ साथ 4G सेवाओं को मजबूत करने के लिए 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 1200 मेगाहर्ट्ज बैंड की खरीदारी पर जोर देंगे। बहरहाल भारत की टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल और वोडाफोन आइडिया 4G क्षमताओं को मजबूत करने के साथ साथ 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए 1 मार्च 2021 को होने वाले स्पेक्ट्रम नीलामी में 1800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड की खरीदारी पर जोर देंगे। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।